आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप लोग ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे दलगोना कॉफ़ी। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब कॉफ़ी डालेंगे तो ज़्यादा कड़वी ना हो, तो चीनी आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैंने किया है उसमें कड़वापन नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं हॉट एंड कोल्ड दोनों तरह की कॉफ़ी। चलिए, जो व्यूअर्स मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मेरी सिस्टर और उनकी फ्रेंड्स भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, तो वो साइन लैंग्वेज से उनके लिए इजी हो जाता है। मैं उनके लिए ये साइन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ। मैं उनको बता रही हूँ कि कॉफ़ी किस तरह से बनानी है। तो चलिए फिर बनाते हैं कॉफ़ी, हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी दोनों बनाते हैं। फ्रेंड्स, आप कॉफ़ी ले लेंगे जिस तरह से मैं उंगली से कर रही हूँ, इस तरह से आप 3 चम्मच कॉफ़ी डाल देंगे। कोई भी कंपनी की कॉफ़ी ले लीजिएगा। हमने सेम चम्मच यूज़ करना है। अब हमने चीनी लेनी है। चीनी भी हमने उसी तरह से ही लेनी है, लेकिन हमने चीनी लेनी है 4 चम्मच। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं तो आप 1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अब हम गर्म पानी डालेंगे, 4 चम्मच डालेंगे। अब स्पून से हम इसको बीट करेंगे। ये हमने हैंड ग्राइंडर ले लिया है। अब इसकी हेल्प से आप इसको ग्राइंड करेंगे। कंटिन्यू ग्राइंड करना है हमने। देखिएगा, ध्यान रहिए रखिएगा कहीं छींटे ना पड़े, ये भी ध्यान रखना। ग्राइंड करते हुए हमको 3 मिनट हो गए हैं, बट अभी भी ये लिक्विड जैसा ही इसका टेक्सचर है। पाँच मिनट बीत गए हैं तो इसका कलर देखो चेंज हो गया है और थिक भी हो गई है ये। फ्रेंड्स देखिए, अब काफ़ी थिक हो गई है ये। अब हमको टोटल 7 मिनट बीत गए हैं, हम हैंड ग्राइंडर की सहायता से इसको कर रहे हैं। अभी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हॉट कॉफ़ी बना रहे हैं। हमने 3 कप लिए हैं, उनमें ही डालेंगे 1-1 चम्मच, और देखो काफ़ी थिक है ये। हम पहले कपों में इसको डाल रहे हैं, उसके बाद इसमें हम
दूध डालेंगे गरम, जिसके अंदर ऑलरेडी चीनी मिक्स है दूध में, और आप इसके बाद इसके ऊपर भी इसी थिक कॉफ़ी बीट को भी बीटर को भी डाल सकते हैं जो हमने बीट किए उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर अब आप कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं, या आपके पास कोको पाउडर होगा वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, काफ़ी सुंदर लगता है। और रियली कह रहे हैं कि कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। अब हम कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं। ये हमने चॉकलेट सिरप लिया है, इसको ग्लास में डालकर इसकी 2-3 ड्रॉप डाल के हम इसको इस तरह से कर रहे हैं कि बाहर से भी बहुत सुंदर लगेगी। स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से इसके ग्लास के उसमें चॉकलेट लगा लीजिए। और बच्चों का ये तो फेवरेट फ्लेवर कॉफ़ी फ्लेवर मिल्क होता है। अब आप आइस क्यूब डाल दीजिएगा। इसके अंदर मिल्क डाल दिया हमने आइस डालने के बाद, और चीनी भी घोल दीजिए इसके अंदर। अगर डिपेंड करता है कि कैसा आपको शुगर चाहिए। फ्रेंड्स, अब आप बीट वाली जो हमने कॉफ़ी तैयार की थी वो इसके ऊपर टॉपिंग कर दीजिए। आप कॉफ़ी पाउडर या कोको पाउडर को भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इसके ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीना पसंद करते हैं तो दूध को आप ऑलरेडी कॉफ़ी एक आधा चम्मच उसके अंदर घोलकर फिर आप ये टॉपिंग डाल सकते हैं, वो भी बहुत यमी लगता है। फ्रेंड्स, लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे मेरे वीडियो को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। Till then, bye.